करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चिकन लिया है हमने, तकरीबन 1.5 किलो हमने चिकन लिया है। टमाटर लिया है हमने, 8 टमाटर लिए हैं, इनको हमने ऐसे हाफ स्लाइस में काट लिया है। ये टमाटो प्यूरी लिया है, ये ऑप्शनल है, अगर आपके पास नहीं है तो आप टमाटर इसमें और एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हैं, 3-4 टमाटर और आप ऐड कर लें। कलर के लिए भी बहुत अच्छा होता है, इसलिए हम ये यूज़ करते हैं। और ये हमने लिया है सब कोरिएंडर लिया है, 3-4 हमने ग्रीन चिली लिए है, इसको हमने ऐसे स्लाइसिस में काट लिया है। जिंजर लिया हमने, 1.5 इंच का टुकड़ा था जिंजर का, इसको हमने फ्रेश लिया, ऐसे क्रश कर लिया है। और ये हमने क्रश वाली ब्लैक पेपर लिया है। सॉल्ट हमें अकॉर्डिंग टू टेस्ट चाहिए। और ये हमने फ्रेश क्रीम ली है डबल वाली, 3-4 टेबल स्पून। चले जी, हमने अपनी ये कढ़ाई ले ली है, इसको हमने ये चिकन लेना है और चिकन हमने डायरेक्ट इसके अंदर डाल देना है। और ये हमारे जो टमाटर थे ये इसमें हम डाल देंगे। अच्छा जी, हमने ये टमाटर इसमें डाल दिए, तो इसको आपने तेज आंच में जो है इसको हिलाते रहना है ताकि ये नीचे लगे ना। अच्छा, ये देखें आप जरा, इसको पकते हुए तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए और ये जो है कुछ हमारे टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो गए हैं और किसी ने ऐसे देखे छिलका निकल गया। ये छिलका हम निकाल लेंगे, जितने भी हमारे टमाटर हैं। और ये पानी जो आप देख सकते हैं, ये पानी जो है खुश्क होएगा तब तक हमने जो है इसको पकाना है इसके अंदर। अच्छा, ये देखिए हमने जो है टमाटरों के जो छिलके हैं वो सारे निकाल लिए हैं और ये पानी जो है इसे छोड़ दिया, टमाटर ने भी और चिकन ने भी। तो इसका पानी जो है खुश्क होने तक इसको हम पकाएंगे जी। ये हमारे जो टमाटर है वो अच्छी तरीके से घुल गए हैं इसमें, आप देख लें। और ये इसके अंदर इतना तकरीबन रहना चाहिए जितना आपको मसाला चाहिए। इस स्टेज पे हम लोग जो है ये ऑयल डाल देंगे इसके अंदर। और जो ये आपको बताया था जिंजर, ये हम इसके अंदर डालेंगे। और ये जो आपको ब्लैक पेपर बताया था ये डालेंगे हम इसके अंदर। फ्लेम हमारी हाई है अभी इस वक्त। जो आपको बताया था टमाटर प्यूरी, ये हम डाल देंगे इसके अंदर। सॉल्ट भी डाल देंगे इसके अंदर हम अपना। ग्रीन चिलीज बताए थे आपको, ये इसके अंदर हम डाल देंगे। ठीक है, और अगर आपको लगे कि आपका जो है कढ़ाई ज़्यादा ड्राई हो गई, आप थोड़ा सा पानी डाल सकते हैं, ज़रा सा और इसके अंदर डाल सकते हैं ताकि आपको जो आपकी जो ग्रेवी है वो थोड़ी सी जो है ज़्यादा हो जाए। अगर आपको लगे बहुत खुश्क हो गया नीचे लग रहा है तो डालें, वरना नहीं डालें। अच्छा जी, ये हम थोड़ा सा इसके अंदर जो है एक क्रीम डाल देंगे। तो डालने के बाद आप हिला लें। चले, अब हम जो है इसको खोल रहे हैं। हमारे 15 मिनट हो चुके हैं। देखिए, इसने तेल छोड़ दिया है चारों तरफ। इसके अंदर जो है हम ये कोरिएंडर डाल देंगे। चले, ये रेडी है हमारी सर्व करने के लिए। बताएं मम्मा को कैसी बनी कढ़ाई।
the video, subscribe. I need now what to do. Share. Thank you.